शुभमन गिल को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं। इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, हैदराबाद की टीम के खिलाफ शुभमन गिल ने अपने पल्ले से इतिहास ही रच दिया। कैसे शतक ठोककर इस खिलाड़ी ने आज सबके होश उड़ा कर रख दिए और आ गया आईपीएल 2023 का एक और शतक। शुभमन गिल की से खतरनाक पारी और उनकी सेंचुरी का वीडियो तो आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव इन सब में सबसे बेहतर खिलाड़ी कौन है, नीचे कमेंट करके हमें बताना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2023 में लग रहा है कि इस बार शतकों का त्योहार मनाया जा रहा है। न जाने किस किस खिलाड़ी ने शतक लगा दिया। हाल फिलहाल में पंजाब के खिलाड़ी प्रभसिमरन सिंह ने शतक लगाया, उससे पहले सूर्य कुमार यादव ने। अब दोस्तों, शतक पर शतक आ रहे थे तो गुजरात के खिलाड़ी भला कैसे पीछे रहते। आपको बता दें कि गुजरात की टीम की तरफ से ये कारनामा आज शुभमन गिल ने करके दिखाया। दरअसल आईपीएल 2023 का 62वां मुकाबला आज गुजरात और हैदराबाद की टीम के बीच में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। ये लड़ाई प्लेऑफ में पहुंचने की है। हैदराबाद के पास तो पाने को कुछ नहीं, लेकिन अभी गुजरात की टीम को अपने आप को साबित करना था। वो 2 अंक प्राप्त करने थे जो उनकी सीट प्लेऑफ में पक्की कर देते। तो इसीलिए गुजरात की टीम दोस्तों जीतने के मकसद से उतरी और ये मकसद साफ नजर भी आ रहा था। हैदराबाद की टीम के कप्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, लेकिन वो शायद ये नहीं जानते थे कि अपने घर में गुजरात के खिलाड़ी किसी शेर से कम नहीं होते। दोस्तों, बल्लेबाजी कैसी थी इस बात का अंदाजा इस बात से बिल्कुल मत लगाइएगा कि रिद्धिमान साहा 0 पर आउट हो गए थे। हाँ, ऐसा हुआ था कि ये खिलाड़ी भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर 0 पर अपना विकेट गवा बैठा था, यानी कि पहले ओवर की तीसरी गेंद पर 0 पर गुजरात की टीम का 1 विकेट गिर चुका था। अब यहाँ से आप और हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि कहीं ना कहीं विकेट गिरते चले जाएंगे और गुजरात पर प्रेशर बढ़ेगा और कम स्कोर हमें स्कोरबोर्ड पर देखने को मिलेगा। लेकिन आपके और हमारी इसी सोच को गलत साबित करके रख दिया साई सुदर्शन वो शुभमन गिल ने, और खास तौर पर शुभमन गिल ने। दोस्तों, इन दोनों खिलाड़ियों ने ऐसी तूफानी बल्लेबाजी करी कि विकेट प्राप्त करने के लिए आज रोना धोना पड़ गया हैदराबाद को, लेकिन विकेट ना मिल पाया। इन दोनों खिलाड़ियों ने अपने अपने 50 पहले पूरे किए। दोस्तों, गिल की बात करें तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं कि पहले दूसरे ओवर में कौन सा विकेट गिरा है। 21 गेंदों में ये खिलाड़ी 28 रन जड़ चुका था। इनके सामने चाहे मार्कंडे हो, भुवनेश्वर कुमार हो, मार्करम हो या फिर टी नटराजन ही क्यों ना हो, हर किसी को चौके व छक्के ही मिले। और फिर इनकी पारी की 22वीं गेंद पर चौका जड़कर शुभमन गिल ने अपना 50 लगा दिया। दोस्तों, ये कोई ऐसा वैसा 50 नहीं था, इस सीजन में ही शुभमन गिल का 5वां अर्धशतक था। इसके बाद फिर से बैक टू बैक चौका लगाया और चौके और छक्कों की ये झड़ी लगती चली गई, जिसके बाद गिल ने तो मार्को जेंसन को 9 बॉल पर छक्का जड़कर सांस भरी। सबको लग रहा था कि 40 में 77 आ गए। गिल जिस रफ्तार से चल रहे हैं वो शायद आउट हो सकते हैं, लेकिन किसे पता था कि आज शुभमन गिल नया इतिहास रचने के लिए मैदान में खेल रहे हैं। 48 गेंदों में ये खिलाड़ी 212 चौके 1 छक्का जड़कर पूरे 89 रन बना चुका था। हालांकि फिर पारी के 15वें ओवर की पहली गेंद पर साई सुदर्शन मार्कर जेंसन की गेंद पर 47 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन दोस्तों पहला विकेट पहले ओवर में गिरा और दूसरा पारी के 15वें ओवर में, तो गुजरात की टीम कितनी आगे पहुंच गई थी 150 रन पर, इसका अंदाजा तो आप लगा ही चुके होंगे। और शुभमन गिल अपने शतक के बेहद ही करीब थे, लेकिन दोस्तों गुजरात के स्कोर से ज्यादा आज सबकी निगाहें शुभमन गिल पर थी, क्योंकि शतक की बात आती है तो इनकी किस्मत इनका साथ नहीं देती। लेकिन आज दिन और वक्त कुछ और था। आज दिन भी गिल का था और वक्त भी उन्हीं का फेवर कर रहा था। दोस्तों, शुभमन गिल 53 गेंदों में 97 रन बना चुके थे। मैदान में राहुल तेवातिया आते हैं, वो आउट हो जाते हैं। शुभमन गिल फिर 55 गेंदों में 99 रन पर पहुंचते हैं और फिर जैसे ही टी नटराजन के ओवर में उन्हें स्ट्राइक मिलती है 19वें ओवर की वो सुनहरी दूसरी गेंद पर वो एक सिंगल रन लेकर अपना शतक पूरा करते हैं। ये दोस्तों शुभमन गिल की मैडन सेंचुरी है इस आईपीएल के टूर्नामेंट में। और दोस्तों, जो रिकॉर्ड शुभमन गिल ने बनाया वो आपको बता दें कि 56 गेंदों के अंदर ही शुभमन गिल ने अपना ये मैडन सेंचुरी पूरा कर लिया। ऐसा करने वाले मात्र 3 से 4 खिलाड़ी ही अब तक आईपीएल के टूर्नामेंट में। शुभमन गिल दोस्तों यही नहीं रुके, आगे चलते चले गए और 101 रन पर फिर वो अपना विकेट भी गवा बैठे, लेकिन तब तक वो गुजरात की टीम को उठाकर 186 पर ले जा चुके थे। दोस्तों, गिल के शतक को देखकर पांड्या तो क्या, हर किसी ने खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाई, लेकिन आज उनके शतक को, उनकी सेंचुरी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और सब्सक्राइब भी कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।